हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आए। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों नीचे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके लेके आया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है क्वेश्चन को रीड करके पता चलेगा। तो यहां पर देखो दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो यहां पर दोस्तों ये पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है, लेकिन एक लाइन सेगमेंट दोस्तों ट्राइसेक्शन हो गया। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं यहां पर। समझिए, यहां पर एक लाइन है इस तरह से, ठीक है, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट कहा गया है। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, तो यहां पर मैं लिखता हूं ए लिखता हूं और यहां पर मैं बी लिखता हूं, ठीक है। एक काम करता हूं ऊपर लिख देता हूं यहां पर ए और यहां पर मैं बी लिख देता हूं, नीचे वाला ए भी मैं रफ कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये ट्राइसेक्शन बदल गया। ट्राइसेक्शन मतलब दोस्तों तीन इक्वल पार्ट में बांट देना। तो तीन इक्वल पार्ट में बांटूंगा तो एक यहां हो गया और एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका Q। तो देखिए ये डिस्टेंस आपका एक हो गया इक्वल, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब ट्राइसेक्शन इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर A का देखो ये दिया हुआ है, समझ लीजिए। तो यहां पर लिखूंगा मैं 4, -1 इस तरह से लिखूंगा मैं, और B का कोऑर्डिनेट दिया है -2, -3, ये मैंने यहां पर लिख लिया। अब दोस्तों P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है और Q का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करोगे आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि ये जो है क्या है, ये जो पार्ट जो है ये 1 है, ये भी पार्ट आपका 1 है, इक्वल है, ये भी आपका इक्वल है। तो अगर P डिवाइड्स करेगा, अगर P डिवाइड्स करेगा तो क्या होगा, ये 1 होगा और ये क्या है 1+1, 2 होगा, मतलब 1:2, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब P डिवाइड्स करेगा तो 1:2 में कन्वर्ट होगा, और Q डिवाइड करेगा तो आगे देखिए यहां पर 1 और यहां पर 1, राइट, यहां पर 1 और यहां पर 1, तो यहां पर 2 है। तो Q डिवाइड करेगा तो क्या होगा 2:1 होगा, ये आपका रेशियो होगा, ये आपको समझना है, क्लियर हो गया। अब यहां पर जैसे कोऑर्डिनेट्स कहा गया है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, M1 का फॉर्मूला लगाओगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि P डिवाइड्स AB, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर P का कोऑर्डिनेट यहां पे लिखूंगा इस तरह से मैं, और यहां पर M1 और यहां पर X2 प्लस यहां पर M2 X1 होल अपॉन M1 प्लस यहां पर M2 कॉमा यहां पर M1 यहां पर Y2 प्लस M2 Y1 होल अपॉन यहां पर M1 प्लस यहां पर M2, इसे हम ब्रैकेट में रख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखोगे अगर P डिवाइड्स कर रहा है, अगर P डिवाइड्स कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो का फॉर्मूला होगा M:2 यहां पर M2, मतलब M1 क्या होगा आपका 1 होगा और M2 क्या होगा आपका यहां पर 2 होगा, क्लियर हो गया। चलिए अभी फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिख दिया हम लोग ने, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर वैल्यू पुट करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका होगा X1, ये आपका होगा Y1, ठीक है, ये आपका X2, ये आपका Y2 होगा, इतना क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर M1 क्या होगा 1, तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा मैं ब्रैकेट में। X2 क्या है, यहां पर X2 देखो -2 दिया है तो यहां पर -2 प्लस M2 क्या दिया है 2, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2। X1 क्या दिया है, X1 यहां पर 4 है तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा होल अपॉन यहां पर 1+2, यहां पर लिखूंगा 1+2 कॉमा M1 क्या दिया है, यहां पर 1 है तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा। Y2 क्या है, Y2 आपका -3 दिया है तो यहां पर -3 लिखूंगा प्लस M2 आपका 2 है, और Y1 क्या है, यहां पर -1 है तो यहां पर -1 लिख दिया मैंने होल अपॉन यहां पर M1 का 1 है और M2 का यहां पर 2 है, ये मैंने वैल्यू लिख लिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे आप यहां पर 2 1 जा 2, लेकिन -2 आएगा, प्लस 4 2 जा 8 होल अपॉन 1+2 कितना होगा 3 होगा, और यहां पर 3 1 जा 3 लेकिन -3 आएगा क्योंकि यहां पर माइनस दिया है, और यहां पर 2 1 जा 2 होगा लेकिन -2 होगा, और 2+1 यहां पर 3, इस तरह से मैं लिख लूंगा मैं, ठीक है। अब देखोगे यहां पर तो क्या हो रहा है, यहां पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, बड़े के साइन प्लस की है तो यहां पर 8 -2 करोगे तो यहां पर 6 होगा डिवाइडेड बाई 3 कॉमा -+ तो यहां पर -5/3 इस तरह से लिखूंगा मैं। उसके बाद यहां पर कैंसिल करूंगा मैं, तो कैंसिल करूंगा तो यहां पर 3 2 6 हो गया। अब यहां पर कैंसिल होगा नहीं तो यहां पर आपका P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, P का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2, -5/3, ये आपका P का कोऑर्डिनेट हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप सीख चुके हो। अब दोस्तों क्या करना है, यहां पे खत्म नहीं हुआ, अब आपको Q का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, Q का ही बाकी है। तो Q के लिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं यहां पर मैं, और यहां पर लिखता हूं मैं Q डिवाइड्स
ए बी, अगर क्यू डिवाइड ए बी करता है तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा यहां पर क्यू एक्स कॉमा वाई, यहां पर फिर से एम वन एक्स टू प्लस यहां पर एम टू एक्स वन होल अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा यहां पर एम वन वाई टू प्लस यहां पर एम टू वाई वन होल अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब देखिए इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए यहां पर M1 क्या होगा, तो पिछले स्लाइड में देखिए यहां पर जब Q डिवाइड करता है तो 2:1 होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे हम लोग Q जब होगा तो क्या होगा M1 2 होगा और M2 क्या होगा 1 होगा। देखिए फिर से यहां पर 2:1 हो गया। अब यहां पर जो 4, -1 दिया था वो भी लिख लेता हूं यहां पर मैं, क्योंकि आसानी होगी यहां पर। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर, A का कोऑर्डिनेट 4, -1 4, -1 और B का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर, B का कोऑर्डिनेट -2, -3 -2, -3 ये लिख लिया मैंने। अब यहां पर लिखूंगा मैं कि ये क्या है, ये मेरा X1, ये मेरा Y1, ये मेरा X2, ये मेरा Y2। सामने रहेगा दोस्तों तो कंफ्यूजन नहीं होगा और इजीली आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहां पर देखो M1 क्या है, 2 है, तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा मैं। यहां पर X2 क्या है, -2 है, तो यहां पर -2 प्लस M2 क्या है, यहां पर 1 है, और X1 क्या है, यहां पर 4 है, तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा होल अपॉन 2+1, मतलब यहां पर 2+1 लिख दूंगा मैं। M1 का वैल्यू यहां पर 2 दिया है, Y2 का वैल्यू देखोगे -3 है, तो यहां पर -3 प्लस M2 का वैल्यू देखो 1 है, तो यहां पर 1 लिखूंगा मैं। Y1 की वैल्यू क्या है यहां पर, -1, तो यहां पर -1 होल अपॉन यहां पर 2+1 लिख दूंगा इस तरह से मैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 2 जा 4, तो -4, यहां पर प्लस लिखूंगा मैं, 4 1 जा यहां पर 4, और 2+1 3 हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6 -6, यहां पर प्लस, 1 1 जा 1 होगा तो यहां पर -1, ध्यान दीजिए यहां पर -1, और यहां पर 2+1 कितना होगा, यहां पर 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि दोस्तों अगर ध्यान नहीं दोगे अगर तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस होंगे, राइट। तो यहां पर अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 3, यहां पर -6 है, प्लस माइनस माइनस, यहां पर 1, यहां पर 3। अब 0 अपॉन 3 मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा, और बड़े के साथ माइनस की, तो 7 अपॉन 3। दोस्तों क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट 0, -7 अपॉन 3, ये आपका क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया, फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।